हेलो फ्रेंड्स, खुशी निटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो हम 1 ईयर बेबी का फ्रॉक बना रहे थे, ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये चोली बनाना सिखाया था कि हम ये किस तरह से बनाएंगे। सेकंड पार्ट में मैं अब आपको इसका घेरा बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे चोली का एंड हुआ था, तो मैंने इसमें देखिए यहाँ कॉर्नर से स्टार्टिंग की है नेक्स्ट कलर की। नेक्स्ट कलर में मैंने हाफ क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट किया है। तो देखिए हमने ये किस तरह से बनाया है। देखिए हम इसे बिना धागे का बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी और पूरा राउंड हमने इसी तरह से बनाकर कंप्लीट किया है। देखिए इस तरह से दो धागों का हमने एक किया है, तो इसे हम हाफ क्रोशिया कहेंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। हमने हर एक चेन में एक एक हाफ क्रोशिया किया है। अब हम घेरे की स्टार्टिंग करेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे। ये हमारे डबल क्रोशिया की हाइट के हो गए। 2 चेन और बनाएंगे तो ये हमारे गैपिंग के लिए होगी। धागा लेंगे और सेम प्लेस पर ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पर कोई भी चेन नहीं लेंगे, धागा लेंगे, 2 चेन हम स्किप करेंगे, 1 2, और 3rd चेन में हम यहाँ पर फिर से वी बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन की गैपिंग ली, फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और 3rd चेन में फिर से हम यही डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, सेम प्लेस पर फिर से डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे, 1 2, और 3rd चेन में हम डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर थर्ड चेन में हम ये वी बनाएंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे यहाँ पर 3rd चेन में ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 2 चेन बची है, तो 3rd चेन में हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर अंदर हाफ क्रोशिया करेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से कली बनाएंगे, 1 2, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट राउंड बनाएंगे उसमें भी हम इसी तरह से कली बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे यहाँ पर 3rd चेन में स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर इस तरह से, फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे। अब हम इसमें ये बीच में हमने जो 2 चेन की गैपिंग की थी यहाँ पर आ गई है। अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखिए पहले हमने जो ये 3 राउंड बनाए थे इनमें हमने बीच में कोई भी चेन नहीं बनाई थी, लेकिन इस बार हम 1 चेन की गैपिंग करेंगे। फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन की हम गैपिंग लेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में फिर से बनाएंगे, 1 2, 2 चेन की गैपिंग, फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया।
देखिए इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इसमें हम सिर्फ यहाँ पर वन चेन की गैपिंग करेंगे, तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे यहाँ पर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे। अब हम यहाँ बीच में सेंटर में आएंगे, यहाँ पर भी हम इस तरह से करके तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। अब यहाँ पर हम देखिए, पहले हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाया है, इस राउंड में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये दो, देखिए एक और बनाएंगे, ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गया, दो चेन, फिर से सेम प्लेस पर हम तीन डबल क्रोशिया, दो तीन। देखिए इस तरह से इस बार हमने तीन की कली बनाई है, वन चेन, फिर से हम नेक्स्ट चेन में तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन। देखिए तीन डबल क्रोशिया बनाया, टू चेन बनाई, फिर से सेम प्लेस पर हम फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, एक बार और बनाया, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गया। वन चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे नेक्स्ट में, एक दो तीन। देखिए तीन डबल क्रोशिया बनाया, अब हम यहाँ पर टू चेन लेंगे, फिर से सेम प्लेस पर हम तीन डबल क्रोशिया, वन टू थ्री। देखिए और वन चेन की गैपिंग लेंगे इस तरह से। देखिए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे, इसमें हम तीन डबल क्रोशिया, टू चेन, तीन डबल क्रोशिया और वन चेन, तो इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए हमने वन राउंड, अब हम ये राउंड कंप्लीट करने के बाद दो राउंड और इसी रो के बनाएंगे, जिसमें हम तीन डबल क्रोशिया, टू चेन, तीन डबल क्रोशिया ये बनाएंगे, तो टोटल हम तीन बनाएंगे। देखिए तीन हमने टू टू की बनाई है और तीन ही हम ये तीन तीन डबल क्रोशिया की बनाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पर वन चेन की गैपिंग लेंगे। तो अब मैं ये तीन राउंड, देखिए ये मैंने अपने पूरे राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें देखिए हमने टोटल एक दो तीन चार पाँच छः सात, हमने सात राउंड बनाए हैं। तो ये देखिए फर्स्ट राउंड में हमने वी बनाई थी, सेकंड राउंड में हमने टू डबल क्रोशिया, टू चेन और टू डबल क्रोशिया बनाया था, थर्ड चेन में भी हमने टू डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, टू की चेन बनाई थी, बीच में हमने देखिए ये तीन राउंड तक हमने कोई भी चेन नहीं रखी थी। फोर्थ चेन में, सॉरी फोर्थ राउंड में हमने यहाँ पे टू डबल क्रोशिया, टू चेन, टू डबल क्रोशिया और यहाँ पर हमने वन चेन की गैपिंग करी थी। और फिर से हमने फोर्थ राउंड, ये हमारा फिफ्थ राउंड है, वन टू थ्री फोर फाइव, फिफ्थ राउंड में हमने तीन डबल क्रोशिया, टू चेन, तीन डबल क्रोशिया और यहाँ पर वन चेन की गैपिंग की थी। हमने ये तीनों राउंड इसी तरह से बनाए हैं, तीन डबल क्रोशिया, टू चेन, तीन डबल क्रोशिया और यहाँ पर वन चेन की हमने गैपिंग की थी। तो इस तरह से हमने ये राउंड बनाया था। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए राउंड कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पर इसे ज्वाइंट किया है और धागे को हमने कट कर लिया था। तो देखिए इसका इस तरह से लुक आया है। अब हम इसमें नेक्स्ट पैटर्न्स, ये फ्रिल बनाने से पहले हम यहाँ पर उसका बेस बनाएंगे। और बेस देखिए हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर साइड से, यहाँ पर हम बैक साइड से इसमें, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर ये जो हमारी वी थी इसके बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे सेंटर में, वी के सेंटर में, और यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। अब हम यहाँ पर तीन चेन, सॉरी पांच चेन बनाएंगे, तीन हम डबल क्रोशिया की हाइट के और टू हम गैपिंग के लिए। तो हमने यहाँ पर देखिए पांच डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम सेकंड इसमें सेकंड वी के बीच में बनाएंगे, ये हमारा नेक्स्ट सेकंड वी है, तो हम यहाँ पर इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से टू चेन बनाएंगे नेक्स्ट वी के गैप में, फिर से हम टू चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में इसमें वी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से टू चेन नेक्स्ट वी के बीच में। ये हमने देखिए सिर्फ हमने वी के बीच में बनाना है और जिससे देखिए ये यहाँ पर दिखाई भी नहीं देगा कि हमने कहाँ पर बनाया है। और देखिए ये इस तरह से
ये पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर वी के बीच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो राउंड कंप्लीट करते हैं। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, अब हम इसे यहाँ पर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमारी थर्ड चेन बनेगी और यहाँ पर हम इसे देखिए स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब फिर से हम पाँच बनाएंगे, 1 2 3 4 5, पाँच चेन बनाई, धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए ये हमारी चेन का हुक है, यहाँ पर हम डालेंगे क्रोशिया और ये बनाएंगे दो, ये डबल क्रोशिया बना। अब हम यहाँ पर टू चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू चेन, फिर से डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हमने इसमें देखिए सेम इसी तरह से ये राउंड बनाते हुए, ये हमारा सेकंड राउंड है, तो हमने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमने यहाँ पर 7 बनाए थे, तो इसके भी हम 7 ही राउंड बनाएंगे। तो अब हमने सिर्फ यही करना है, टू चेन की गैपिंग लेनी है और इनके ऊपर डबल क्रोशे के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से बनाते हुए मैं 7 राउंड इसके कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और देखिए इस तरह से हमारी ये जालियाँ बनकर आई हैं। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 राउंड बनाए हैं। अब हम इसके ऊपर घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम धागे को कट करेंगे, 1 चेन बनाएंगे और धागे को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। देखिए जहाँ से हमने धागा कट किया था सेम इसी जगह पर हम नेक्स्ट कलर ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम 1 2 3, ये हमारे डबल क्रोशे की हाइट के हो गए और फिर से हम यहाँ पर 1 2 2 चेन की गैपिंग की और फिर से हम सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी वी बन गई है। फिर से धागा लेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 चेन, फिर से सेम प्लेस पर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागा लेंगे, डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम इसे यहाँ पर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर मेन हो इसके सेंटर में हम यहाँ आएंगे और यहाँ पर बनाएंगे। अब देखिए 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 बन गया, 2 चेन, फिर से सेम प्लेस पर ही हम 2 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब फिर नेक्स्ट में जाएंगे, 1 2, फिर से 2 चेन और यहाँ पर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे और हम ये पैटर्न जैसे हमने ये बनाई थी फ्रिल सेम वैसे ही हम इसे भी बनाकर कंप्लीट। देखिए ये ऑरेंज का राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और देखिए बनने के बाद इसका लुक इस तरह से आया है और देखिए हमारी कितनी प्यारी ड्रेस बनी है। अब हम इसके अंदर देखिए नीचे वाइट का पैटर्न और बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए जैसे हमने यहाँ पर वाइट जाली बनाई थी, तो इस ऑरेंज के नीचे हम ऑरेंज कलर की जाली बनाएंगे। तो जाली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट धागा हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे वी के सेंटर में। पांच चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, देखिए पांच चेन बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट वी के सेंटर में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर से टू चेन बनाएंगे, एक दो, और नेक्स्ट वी के बीच सेंटर में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से टू चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वी के सेंटर में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम इसे यहाँ पर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से फिर से पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से टू चेन बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया, फिर से टू चेन, फिर डबल क्रोशिया, टू चेन, फिर से डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। और देखिए जैसे हमने यहाँ पर जाली बनाई थी, सेम वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। इसमें हम टू टू डबल क्रोशिया की गैपिंग करेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये जाली बनेगी। और फिर ये जब बनाने के बाद, जाली बनाने के बाद जैसे हमने ये पैटर्न स्टार्ट किया था, इनके ऊपर देखिए ये डबल क्रोशिया के ऊपर हम वी बनाएंगे, और वी के ऊपर हम फिर इस तरह से चार डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, फिर से चार डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, और फिर से भी तीन राउंड हम चार चार डबल क्रोशिया की कली का बनाएंगे, और तीन राउंड हम छः छः कली की डबल क्रोशिया की कली बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे, पहले हम ये जाली बना लेंगे और फिर उसके बाद ये फ्रिल बना लेंगे, उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे कि किस तरह से बनेगा। देखिए ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें मैंने तीनों फ्रिल बना ली है, और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। थर्ड हमने जो लेयर बनाई थी, इसमें देखिए हमने फर्स्ट लेयर बनाई थी, इसके अंदर हमने ये जाली बनाकर फिर पैटर्न बनाना स्टार्ट किया था। फिर हमने सेकंड बनाई थी, सेकंड के ऊपर भी हमने जाली बनाने के बाद थर्ड अपना राउंड कंप्लीट किया था। अगर आपको ये ड्रेस बड़ी बनानी है तो बड़ी में भी हम यहाँ पर एक और राउंड बनाएंगे फ्रिल का, ये जो हमने जाली बनाई थी इसका, और फिर उसके ऊपर हम इसमें लेयर बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे छोटी या बड़ी बना सकते हैं, और बनने के बाद ये हमारी ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनी है। तो चलिए अब इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर हम एक छोटा सा फ्लावर बना लेते हैं, और वो फ्लावर देखिए किस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे, ये हमारी फर्स्ट चेन बनेगी, दो तीन, तीन हमने चेन बना ली। अब हम फर्स्ट चेन में हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ पर हम फोर चेन बनाएंगे, एक दो, ये हमारी डबल क्रोशे की हाइट की हुई, और दो चेन हम गैपिंग की लेंगे, तो ये हमने चार बनाई। अब धागा लेंगे और क्रोशे हुक को देखिए इस लूप के अंदर डालेंगे, जो हमने यहाँ पर थ्री चेन की बनाया था होल, इसके अंदर हम यहाँ पर इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार बन गया हमारा, देखिए एक बना। अब फिर से हम टू चेन की गैपिंग लेंगे, धागा लेंगे, और नेक्स्ट होल इसी होल के अंदर नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस होल के अंदर हम इसे इस तरह से डालेंगे, ये दो हमारे बन गए। देखिए फिर से हम टू चेन बनाएंगे, फिर से सेम प्लेस पर डालेंगे, ये तीन हो गए हमारे, एक दो, धागा लेंगे फिर से सेम प्लेस पर ही, ये हमारे फोर, एक दो, धागा नहीं लेंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमने पहले स्टार्टिंग की थी और टू चेन ली थी वहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए हमारे पास पांच वो बनी है स्पेस, एक दो तीन चार, और एक ये पांच, पांच बनी है। अब हम इसे यहाँ पर फर्स्ट चेन के बीच में लेके जाएंगे, जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। यहाँ पर हमने देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाया, वन चेन लेंगे, धागा लेंगे, और हम यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया,
यहाँ पर डबल क्रोशे की हाइट हम थोड़ी छोटी रखेंगे, दो, और एक बार और बनाएंगे, ये तीन, धागा लेंगे, वन चेन लेंगे और यहीं पर सेम प्लेस पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे और नेक्स्ट चेन में भी हम दोबारा से यही पैटर्न रिपीट करेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हमारे ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर वन चेन बनाएंगे और देखिए वन चेन के बाद हम तीन चेन गैपिंग के बनाएंगे, एक, दो, तीन, धागा लेंगे और देखिए ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ से हम धागा क्रोशे हुक को डालेंगे और यहाँ से निकाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम ये जो हाफ क्रोशिया बनाया था इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से तीन चेन लेंगे, एक, दो, तीन, धागा लिया और यहाँ पर हम ये नेक्स्ट है हमारा इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए ये दो, एक, दो, तीन। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, तीन चेन लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे। देखिए पीछे से कुछ इसका लुक इस तरह से आएगा। ये हमारा एक, दो, तीन, चार बन गया। अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, और यहाँ पर इसे हम फर्स्ट चेन के साथ हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से अब हम इस चेन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन लेंगे और अब हम यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने तीन बनाए थे लेकिन अब हम यहाँ पर पांच बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। देखिए पांच बन गए। अब हम इसमें वन चेन लेंगे और यहाँ पर इसे देखिए यहाँ पर हम इसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच हाफ क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो राउंड को हम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। हर चेन के अंदर हम पांच डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। वन हाफ क्रोशिया, वन चेन और तीन पाँच हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से वन चेन लेनी है और फिर से है हाफ क्रोशिया बनाना। देखिए पांच डबल क्रोशिया हमारा बन गया। अब हम यहाँ पर वन चेन लेंगे और यहाँ पर इसे हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर वन चेन लेंगे और इसके बाद हम चार चेन गैपिंग की लेंगे, एक, दो, तीन, चार। देखिए फर्स्ट हमने जब पत्तियाँ बनाई थी उसमें हमने टू चेन की गैपिंग की थी और थर्ड में हमने तीन की, अब हम सेकंड की में हमने थ्री चेन बनाई थी, अब हम थर्ड पत्तियां बनाएंगे तो इसमें हम चार चेन की गैपिंग लेंगे। तो देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया बनाया था हमने यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए देखिए इस तरह से तीनों धागों को हम एक साथ निकालेंगे, धागा लेंगे और इस तरह से बना देंगे। फिर से चार चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। फिर सेकंड पत्ती में जाएंगे, धागा लेंगे और ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है सेकंड। यहाँ पर भी हम इसी तरह से इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने चार चेन बना ली है और ये देखिए हमारी जो फर्स्ट चेन थी इसके अंदर हम देखिए यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये हमने फर्स्ट चेन बनाई थी इसके साथ हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, हाफ क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। देखिए पहले हमने तीन बनाए थे फिर हमने यहाँ पर पांच बनाए थे, अब हम यहाँ पर सात डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए टू चेन लेंगे, धागा लेंगे और सात डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन,
चार, पाँच, छः, सात। देखिए सात चेन बनाई, अब हम यहाँ पर टू चेन लेंगे। पहले हम वन वन चेन लेते थे, अब हम यहाँ पर टू लेंगे। यहाँ पर भी हमने टू चेन ली थी और यहाँ पर भी हमने टू चेन ली है, और यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरह से बनाएंगे और टू चेन लेंगे, और फिर से हम यहाँ पर सात डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने ये बनाया था। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर वन चेन लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर पांच चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच धागा लेंगे। और देखिए ये जो हमारी पहली पत्ती है, इसके नीचे देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया था। यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसमें देखिए हम तीनों पत्तियों में से एक साथ निकाल लेंगे ये इस तरह से। फिर से पांच चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच धागा लेंगे। और नेक्स्ट पत्ती के नीचे जो हाफ डबल क्रोशिया है, देखिए यहाँ पर हम इसे डालेंगे क्रोशिया हुक को, और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो बनाते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसे फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट इस चेन के अंदर जाएंगे, हाफ क्रोशिया करेंगे। अब हम यहाँ पर टू चेन लेंगे, एक, दो, और यहाँ पर हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। देखिए 9 बार बनाया। अब फिर से हम टू चेन लेंगे और यहीं पर हम ज्वाइंट करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरह से ज्वाइंट किया, टू चेन ली, और यहाँ पर भी हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने ये फर्स्ट पत्ती बनाई है, इसी तरह से हम 4 पत्तियाँ और बना। देखिए बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब हम इसके अंदर देखिए यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए अगर मोती है तो मोती लगा लीजिए। तो अब मैं इसके अंदर देखिए ऑरेंज कलर का एक छोटा सा पफ बनाकर लगाऊंगी। तो देखिए वो किस तरह से बनेगा। हम यहाँ पर इस तरह से धागा लेंगे, चेन बनाएंगे तीन, एक बना ली हमने, दो, तीन। तीन चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर हम इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पर हम 4 टाइम धागा लेंगे। ये हमारा दो, तीन और ये चार। अब इनको एक साथ बना देंगे और 3 चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, इस तरह से बना के। तो अब देखिए मैं ये धागा कट कर लेती हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से बना है। मैंने इसका थोड़ा सा धागा लूज कट किया था। तो इसके अंदर देखिए हम जो ये हमारे स्पेस है पत्तियों का, इसके बीच में हम इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और इसे यहाँ पर हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में जाएंगे और नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से बाहर निकाल लेंगे। देखिए बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है। अब हम यहाँ पर इसे स्टिच कर लेते हैं। देखिए इसको हमने फ्लावर को स्टिच कर लिया है, और स्टिच करने के बाद देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए इसका एक बार और इसका फाइनल लुक देखिए। ये हमने इसकी चोली बनाई थी और फिर हमने इसके ऊपर ये फ्लावर, और ये देखिए हमारी 3 लेयर वाली हमने इसमें ये फ्रॉक बनाई थी। तो इस तरह से देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये बनी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।